यू आर माई शिकार। हाँ मिल गया गाइस, ये देखिए फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक मिल गया अमित दोस्त को, ये देखिए मछली, वाह ये देखिए ये देखिए पूरा स्नेल ही स्नेल, इतने सारे देखिए, ये देखिए गाइस इतने बड़े बड़े मछली, वाओ हो गया गाइस बॉयल, वाह। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह उठने के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया था, अभी दोपहर होने वाली है और सुबह सुबह से जो है मम्मी और जेरी पूरा घर की साफ सफाई करने में लग गए हैं। ये देखो पूरा सामान सामान सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं और यहाँ अंदर में तो पूरा साफ सफाई कर दिया, क्लियर फ्रिज की साफ सफाई किया और अंदर में फिल्टर का लोकेशन चेंज किया और यहाँ पे देखिए सब क्लियर कर दिया, एकदम चकाचक घर को चकाचक कर दिया गाइस, क्योंकि जो है हम लोग का बहुत ही जल्द घर पे पूजा होने वाली है तो उसके लिए घर को साफ सफाई कर रहे हैं हम लोग, तो घर पे पूजा करेंगे हम लोग। बहुत दिन मतलब बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं पूजा, ऐसे हाँ साल में हम लोग 2-3 बार ऐसे पूजा करते रहते हैं। और यहाँ पे देखो धूप में सुखाने के लिए धान वगैरह रख दिया है और एज यूजुअल बम्बू सूट ड्राई बम्बू सूट को भी सुखाने के लिए रख दिया और हम लोग का गाउचे घूम रहा है, ये इसका पूरा कलर लगाने के बाद देखो हैंडसम हो गया ना गाबुच्चे हैंडसम। तो आज जो है दोस्तों हम लोग फिर से फिशिंग करने के लिए जाएंगे नदी में, एकदम शीशा वीशा लगा के जो पानी में डुबकी लगा के मारते हैं ना उसी से, और ये तीर वगैरह ये ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास लेकिन ये खराब हो चुका है, बट फिर भी इसको थोड़ा सा धार कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। अभी तीर को देखिए गाइस पूरा नुकीला बना दिया, अभी इससे फिशिंग करने में बिल्कुल मजा आएगा गाइस। और यहाँ पे मम्मी को देखिए दोस्तों पूरा जो भी लकड़ियां है उसको समेत समेत के रख रही है यहाँ पे, अभी विंटर का टाइम है तो लकड़ियां का बहुत जरूरत होगी तो हम जो है फिर से लकड़ियां भी लेके आएंगे। जो पंपमुआ का रिजॉर्ट है ना दोस्तों उसके सामने बहुत सारे लकड़ियां हैं, वहाँ पे एक फैक्ट्री है तो वहाँ से लकड़ियां जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं तो उन्हीं लकड़ियों को हम लोग लेके आएंगे, तो वो जो है हमारे लिए एकदम बहुत काम आएगा जो विंटर के टाइम में आग सेकने के लिए, यहाँ पे आग जला के हम लोग आग सेकते रहेंगे, बहुत ही मजा आता है गाइस। अभी फिशिंग करने जाने के लिए रेडी दोस्तों, और गर्मी बहुत ज्यादा इसलिए मैंने टोपी और चश्मा लगा लिया है तो धूप के कारण जो है आंखों में दर्द होने लगता है, और ये ले लिया हूँ बैग, इसमें जो है स्नेल वगैरह भी जो भी मिलते हैं हम वो उठा लेंगे। तो पहले बाइक में जाऊंगा, नदी किनारे पे रखूंगा बाइक को और नदी में फिशिंग करेंगे, और यहाँ पे रहा मेरा तीर, ये देखिए बाय बाय। अभी हम नदी किनारे में पहुंच चुके हैं दोस्तों, बाइक को यहाँ पे छाए पे छोड़ के जा रहा हूँ, अमित दोस्त आगे आगे चला गया है और मैंने जो है औजार के लिए यहाँ पे रबर वगैरह मंगाया था अमित दोस्त से तो उन्होंने ला दिया, तो औजार जो है मेरा तैयार हो चुका है। और भाई लोग पता नहीं कहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, आगे आगे हमसे भी आगे भाई लोग आए हैं तो लोग के साथ हमें भी फिशिंग करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ेगा अभी वो लोग को। तो अभी हम लोग का फिशिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस, ये देखिए एक झींगा, वाह कहाँ भाग रहे हो भाई, मत भाग, यू आर माई शिकार। हाँ मिल गया गाइस, ये देखिए ये लो अमित दोस्त पोलिथीन में डाल लो, मिला है हाँ, अरे हाँ ओए चेप दिखा दे, हाँ चेप दे, हाँ यहाँ एक छोटा सा झींगा है गाइस, अरे नहीं मिला गाइस, यहाँ पे एक छुपा हुआ है देख सकते हैं, मिल गया, ये देखिए गाइस अमित दोस्त, अरे गिर गया, अरे गिर गया, वो देखो ये रहा, हाँ फिर से मिल गया वाह खतरनाक है, खतरनाक ना। आगे में गाइस इतने सारे छोटे छोटे मछलियाँ, वो पूरा काले काले इतने सारे, वो देखिए ना। अभी हम आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पे दोस्तों, एक्चुअली हमें जो है मछलियां नहीं मिल रहे और जो भाई लोग आए थे उन्हें भी ढूंढा नहीं मिला, तो हम आ गए हैं अभी स्नेल पकड़ने के लिए, ये देखिए बड़े बड़े वाले स्नेल मिल रहे हैं अभी मैं और अमित दोस्त, ये लो दोस्त पूरा यहाँ पे अभी स्नेल पकड़ेंगे हम लोग। दोस्तों आप लोग को ये वाला जगह याद होगा, आज से बहुत महीनों पहले हम लोग जो अमित दोस्त सभी लोग मिल के यहाँ पे आए थे और यहाँ पे खाना वाना खा के गए थे, और उसके बाद फिर से मैं और जेरी आए थे, सिर्फ दोनों यहाँ पे झींगे वगैरह पकड़े थे, मजा ही आ गया था। तो ये वही वाला जगह है फिर से हम लोग देखने आए, लेकिन आज नहीं मिल रहे हमें, लेकिन ये कुआं देख सकते हैं दोस्तों, फ्रिज का पानी से भी जाए भाई, इसका जो टेम्परेचर है वाह क्या ही कूल है, क्रिस्टल क्लियर एकदम, आप लोग वहां पे मछलियां भी देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ऐसा क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, वाह देखिए।
फाइनली दोस्तों यहाँ पे एक मिल गया अमित दोस्त को, ये देखिए मछली, वाह। चलो खोल लेते हैं। वाह, कल ऐसा ही वाला मछली पकड़ा था पूरा अपने हाथों से। चलो ले लो। और यहाँ पे स्नेल भी है, ये देखिए गाइस स्नेल। और भी यहाँ पे भी है मछलियाँ, अभी चेक कर लेते हैं ना। सो गाइस यहाँ पे एक मछली दिख गया रूपम को और हाथ से पकड़ रही है। ठीक से पकड़ो भाई। मिला नहीं? नहीं मिला। अच्छा इधर में, इधर में मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा ना। चलो चैंपियन। अरे अरे आ गया पकड़ में, छोड़ूंगा नहीं साले। अच्छा अरे अरे ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ना, ये कहाँ गया? ये इधर 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 आ गया, इधर 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 इधर। ये देखो, अरे अरे ये यहाँ पे फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। इसको निकालो धीरे धीरे। कहाँ गया? उधर यही में। ये देखो ये यहाँ पे है। हाँ दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया। अरे तीर कहाँ है? तीर दिखाई दिया ना। रुको यार, कहाँ गया? यहीं पे होगा शायद, यहीं पे होगा। धीरे से निकालो तो। अभी हम दूसरी लोकेशन पे आए हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो है पानी थोड़ा सा गंदा है। गंदा मतलब क्लियर तो है, लेकिन ऊपर ऊपर में कुछ जो है यहाँ पे फंगस वगैरह है। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत मिलते हैं स्नेल्स, तो इसलिए आए हैं हम लोग इस वाली जगह पे। तो अभी स्नेल ढूंढ लेते हैं। बहुत दिन हो गए यार स्नेल खाने का मन कर रहा है, तो अभी ढूंढ लेते हैं। कहीं पे भी ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया। एक तो बूढ़ी औरत आई थी तो उसने पूरा उठा के ले गया, हम लोग को दिखाया, इतने सारे लेके गया ना उसने। तो फिर भी लक आजमा के देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे पूरा उस साइड में मिलते हैं। यहाँ पे तो स्नेल हमें मिल रहे, थोड़ा बहुत डुबकी लगा के उठाना पड़ रहा है क्योंकि काफी गहरा है, देख सकते हैं दोस्तों मेरे कमर तक आ चुका है। वाओ यहाँ पे एक है, वो देखिए वो काला जो दिख रहा है ना, अभी मैं डुबकी लगा के उठाएंगा। वाह ये देखिए, ये लो मिट्ठ, बहुत गहरा पानी है यार, डुबकी लगा के उठाना पड़ रहा है। वाह यहाँ पे दो दिख गए मुझे। ये देखिए दो, यहाँ पे बहुत सारे एक ही साथ में दिख गए हैं गाइस। तो अभी उठाता हूँ एक एक करके, देखते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही बार में 6। ये देखिए गाइस छक्का मार दिया मैंने एक ही बार में 6। तो यहाँ पे रखते हैं, और हमें अब तक कितने मिले हैं दिखाता हूँ। वाह ये देखिए गाइस अब तक हमें इतने मिले हैं और उठाएंगे, चलो और उठाते हैं ना। चलो ये देखो, ये इधर मैं कैरी मतलब फोन वगैरह बचाने के लिए, तो मैं डुबकी लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक और दिख गया मुझे, ये रहा ये देखिए। और यहाँ पे कुछ क्लेम दिखा था मुझे, कहाँ गया पानी? ये रहा गाइस क्लेम। काफी देर तक हम लोगों ने स्नेल पकड़ा दोस्तों, और बिल्कुल शाम होने को चला है, सनसेट का टाइम देखिए बहुत ही खूबसूरत, और हमें बहुत सारे स्नेल मिले हैं। मैं तो डुबकी लगा के उठाया, पूरा ठंड के मारे कांप रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। चलो दिखाओ दोस्त। ये देखिए गाइस पूरा स्नेल ही स्नेल, इतने सारे देखिए, वाह मजा ही आ गया आज तो। ब्लैक पैंथर को यहाँ पे छोड़ के गया था, आजकल तो अपना ब्लैक पैंथर का पूरा ऑफ रोडिंग ही चल रहा है, तो पता नहीं शायद कल मुझे तिनसुकिया जाना पड़ेगा इसकी सर्विसिंग के लिए, सर्विसिंग का टाइम हो चुका है, तो इसे जाना पड़ेगा पूरा ऑफ रोडिंग अभी हमें। चले अमित, चलो चलो। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे थे घर, और आधे रास्ते से हम लोग लेके जाएंगे फिग फ्रूट। ये देखिए दोस्तों ये जो है फिग फ्रूट है, ये बिल्कुल जंगली है, और सब्जी इसका बहुत ही टेस्टी होती है। ये देख सकते हैं दोस्तों इसका सब्जी जो है पका के खाने में क्या ही टेस्टी होती है यार। यहाँ पे पेड़ है तो यहाँ से बहुत ज्यादा है, ये वाला तोड़ के लेके जाएंगे। देखो ये देखिए गाइस, चलो इसी में डाल के स्नेल के ऊपर लेके जाएंगे ना। चलो और तोड़ लेते हैं ना, ये देखो वाह, ये देखिए गाइस, देखिए गाइस बहुत सारे तोड़ लिया हमने, पूरा अमित तो जो है पेड़ के ऊपर में जाके तोड़ा है, तो सब लेके जाएंगे कल खाएंगे ना इसकी सब्जी। हाँ। मजा आएगा, और इसमें से व्हाइट निकलता है ना, यही मेन विटामिन है इसका। हाँ। चलो अभी चलते हैं ना।
अभी अपना अमित दोस्त के रूम पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग का सामान अभी डिवाइड करना है। ये भी फिग फ्रूट भी रखेगा अपना अमित दोस्त और नीचे में स्नेल है वो भी डिवाइड करेंगे। देखो चलो चलो रख लो मेरे दोस्त, ये गर्मा गर्म है ना ये फ्रूट जो इसलिए गर्म हो गया होगा। ओ मैं कोई बच्चे नहीं हूँ। और ले लो। अभी मैं घर पहुंच गया दोस्तों और यहाँ पे देखिए स्नेल और यहाँ पे फिग फ्रूट पूरा रेडी है और ये लोग खाना वगैरह पूरा पका रहे हैं। मुझे ये मछली जैसा लगा है। मछली जैसा लगा है, मछली भी है तो इसमें मछली भी है करके दिखाई दिया ना, मछली भी है इसके अंदर में। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े मछली, वाओ फ्राई हो रहे फ्राई। और पूरा ये स्पेशल रेसिपी बन रहा है क्या, बॉयल वाला बम्बू सूट के साथ? Let's see, wow, अरे तो बैंगन है, कहाँ है मछली? ओ इधर में है, ये देखिए गाइस इतने बड़े बड़े मछली, वाओ। तो स्नेल को जो है यहाँ पे धो दिया दोस्तों जो भी गंदगी है, और यहाँ पे जो चावल को मतलब सफाई करके जो पानी होता है ना उसमें भिगो के रखने से इसमें जो भी गंदगी होती है सब चली जाती है। तो कल खाएंगे पूरा, मतलब उठाने के साथ साथ नहीं खा सकते हैं, एक रात भिगो के रखना पड़ेगा, उसके बाद पूरा मतलब सफाई के साथ पूरा तैयार हो जाते हैं। ये देखिए अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत खुजली खुजली हो रहा था, मुझे एलर्जिक मतलब रिएक्शन हो रहा था, वो पानी थोड़ा सा पोल्यूटेड है इस कारण, वैसे क्लियर है बट ऊपर में जो है फंगस वगैरह उस कारण जो है हो जाती है। और यहाँ पे जेरी वीडियो की एडिटिंग कर रही है और दीदी जो है अभी यहाँ पे खाना पका रही है, सब्जी आप पूरा पका रहे हैं, यहाँ पे जो मछली है ना वो मछली को बॉयल कर रहे हैं। ये दिखाता हूँ दोस्तों आज तो पूरा स्पेशल, ये देखिए वाओ बम्बू सूट के साथ बॉयल, मजा आएगा आज तो। कल खाएंगे स्नेल, वहाँ पे मैंने भिगो के रख दिया है दोस्तों, कल स्नेल का रेसिपी मिल जाएगा, लेकिन आज तो बहुत ही स्पेशल। और ये फ्राइड मछली, इसको क्या कुछ चटनी अटनी बनाओगे? हाँ, इसको चटनी बनाऊंगी। अच्छा यहाँ पे चटनी बनाएगी। यहाँ पे मम्मी मछलियों के जो इंटेस्टाइन है उसका एक रेसिपी बना रहे हैं दोस्तों, देखिए उसको जो है नमक मिर्च वगैरह सब मिला के यहाँ पे फ्राई करते है, देखिए बहुत ही टेस्टी होती है, आप लोग को दिखाऊंगा खा के। और ये वाला तो बॉयल हो रहा है अभी भी, वाह एकदम पीक पे है बॉइलिंग पे, मजा आएगा आज तो। और यहाँ पे दीदी का चटनी जो है अभी भी बन रहा है, अभी खाने का टाइम है गाइस। तो यहाँ पे डिनर निकाल रही है जेरी और दीदी वहाँ पे पूरा चटनी बना रही है अभी, और ये हुआ कि नहीं? हो गया। हमारे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। वाओ हो गया गाइस बॉयल, मछली बॉयल विद फर्मेंटेड बम्बू सूट, ये देखिए वाह क्या ही मजा मजा। तो दीदी मछली की चटनी बना रही थी वो भी तैयार हो गई, देखिए वाह ये भी बहुत ही टेस्टी होगा। और यहाँ पे मम्मी के हाथों का बनाया हुआ मछली के इंटेस्टाइन और यहाँ पे लॉन्ग बीन्स विद बैंगन, ले लिया है मछली का सर दोस्तों। एक्चुअली मछली का सर मुझे बहुत पसंद है, इसके अंदर में जो ब्रेन होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार करके चुम्मा लेने से वाह क्या ही मजा। और यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े मछली के पीस, वाह। और यहाँ पे ये वाला जो लॉन्ग बीन्स की सब्जी वो भी ले लिया, तो अभी खाते हैं गाइस। ये एकदम फर्मेंटेड जो है बम्बू सूट के साथ बॉयल किया हुआ, ये देखिए फर्मेंटेड बम्बू सूट भी है, तो अभी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइस। वाह ये फर्मेंटेड जो बम्बू सूट है ना उसका जो सूप है ये चावल पे मिलाने से क्या ही टेस्टी, गजब। ये देखिए इतना बड़ा, अरे बहुत गर्म है भाई। वाह क्या बॉयल है, ये देखिए एकदम सुपर से ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना मसाले के कैसे खा लेते हैं ये लोग, लेकिन आप लोग एक बार अगर ट्राई करोगे ना तब पता चलेगा आप लोग को कितना टेस्टी होता है।
यहाँ पे अभी मैंने चटनी भी ले लिया दोस्तों, मैं चटनी लेना भूल गया था। ये देखिए, ये वाला चटनी जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। ये देखिए, वाह गजब, एकदम गजब भाई। ये फाइव स्टार होटल में होता तो भाई क्या मजा होता। सोच रहा हूँ हम लोग भी एक होटल खोल ले और ये सब रेसिपी खिलाए हम लोग भी। दब्बाबुरा किचन, जैसे दानागा किचन है वैसे दब्बाबुरा किचन बोल के एक बिल्कुल मजा आएगा वैसे खोलने से। ये देखिए मम्मी भी खा रही है। मम्मी थोड़ा बहुत लोकल मछली जो होती है वो खा लेती है, मतलब टोटली शाकाहारी नहीं बनी है, कुछ कुछ मतलब 50% तक जो लोकल मछलियाँ हैं वो खा लेती है, पोर्क नहीं खाती है और ब्रॉयलर वगैरह वो सब नहीं खाती है। ये जेरी भी खा रही है, दीदी और मैं, हम लोग का फैमिली छोटा सा फैमिली बस मंजिता हॉस्टल पे है, 5 लोग हैं हम लोग टोटल, गाबुज्जे को मिला के 6 लोग। अभी हम लोगों ने जो है डिनर भी कर लिया दोस्तों, बहुत ही मजा आया। आज जो है मछली को बॉयल करके खाया, वाह क्या मजा आया। और स्नेल को जो पकड़ा था उसे भिगो के रखा है, उसका जो रेसिपी होगा वो कल ही खाएंगे हम लोग। और अभी गबुच्चे को देखो, बिल्कुल मेरा गोदी में गबुच्चे बेटा, देखो इधर देखो, वीडियो में हाय बोलो बेटा, हाय। अरे बाप रे, पूरा चाट रहा है ये मुझे, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करता है ये। और कलर लगा के बिल्कुल हैंडसम हो गया, इधर देखो गबुच्चे बेटा, इधर देखो, कलर लगा के हैंडसम हो गए हो। तो दोस्तों अभी जो है सोने जाना है और वीडियो को भी एडिट करना है, सोने से पहले रोज जो है वीडियो एडिट करना पड़ता है हमें। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग जो है नदी पे गए, थोड़ा बहुत छोटा मोटा फिशिंग किया और जो है हम लोगों ने स्नेल पकड़ा, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ।